हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली वीडियो टिप्स फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जा फ्रेंड्स शादियों का सीज़न चल रहा है और इन शादियों के सीज़न में मैं आज आपके लिए एक ऐसा तरीका लेके आई हूँ उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है अक्सर क्या होता है कि धूप धूल मिट्टी में रहने की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल और बेजान हो जाती है और हर लड़की का सपना होता है कि शादी वाले दिन पूरी महफिल में वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखे तो ये वीडियो सिर्फ होने वाले दुल्हन के लिए ही नहीं बल्कि जो लोग शादी है, है, है।, के के है। आपकी त्वचा बनाएगा, बनाएगा। में बहुत ही अच्छी निखार लाने में ये नुस्खा आपकी काफी मदद करेगा साथ ही अगर आपकी बॉडी पर कहीं भी किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं तो उन दाग धब्बों को हल्का करने में आपकी सनटेन को दूर करने में मदद करता है आपको ये रेगुलर फॉलो करना है कैसे कब तक करना है ये आइए जानते हैं इस वीडियो में तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए लगभग चार, चार से पाँच चम्मच कच्चा दूध इसके बाद इसमें ऐड कीजिए आप लगभग आधा चम्मच कस्तूरी हल्दी पाउडर कस्तूरी हल्दी आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगी इसके बाद दोस्तों आपको इसमें चाहिए लगभग एक चम्मच नींबू का रस अब इन तीनों को मिला के चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर आपको क्या चाहिए आपको चाहिए ए आधा कटा हुआ लेमन तो लेमन को आप इस मिश्र में डिप करके अपने पूरे स्किन पर चेहरा गर्दन आपके हाथ पैर पेट पेट सब जगह पर आप इसे इस, इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे आपको अप्लाई करना है तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा आपको ये उपाय नहाने से पहले करना है नहाने से लगभग पंद्रह मिनट पहले तो इस तरह से अप्लाई करने से आपकी त्वचा के सारे दाग धब्बों को ब्लैक स्पॉट्स को पिंपल्स से है, उन सब को दूर करेगा स्किन पर एक नई चमक लेके आएगा ब्राइटनेस लाएगा बहुत तक गोरा और स्मूथ बनाएगा इसमें लेमन जूस से लेमन में विटामिन सी होता है जो की स्किन को बहुत ज्यादा हेल्थी बनाए रखेगा स्पॉटलेस बनाए रखेगा और हल्दी आपकी त्वचा की ब्राइटनिंग के लिए उसको गोरा बनाने में बहुत मदद करता है इसमें एंटी और एंटी गुण होते हैं जो की आप आपकी त्वचा के पिंपल्स वहाँ से एक्ने है या किसी भी तरह के बैक्टीरिया है खाज खुजली की समस्या है तो उसको बिल्कुल दूर करेगा दोस्तों कच्चा दूध में इसके लाइटनिंग एजेंट होते हैं ये स्किन को मक्खन से मुलायम बनाएगा तो इन इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा खूबसूरत त्वचा पा सकते हैं तो फ्रेंड्स इसे लगभग पंद्रह मिनट तक रखिए और उसके बाद आप नहा लीजिए आपको एक चीज का याद रखना है इसमें हमने हल्दी पाउडर लिया है तो आपको इसका यूज करने के बाद साबुन का यूज नहीं करना है क्योंकि साबुन का यूज करने से स्किन थोड़ा सा ब्लैक होने लगती है तो इसलिए सिर्फ नेचुरल चीज का इस्तेमाल कीजिए फिर देखिए कि आपकी त्वचा कितनी ज्यादा ब्राइट और ग्लो करने लगेगी तो ये तो हुआ मेरा आज का वीडियो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए